महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हामिद अंसारी को हिंदुत्व का मतलब समझाया है। फडणवीस ने हामिद अंसारी को हिंदुत्व का मतलब सहिष्णुता बताया। फडणवीस का ये बयान पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान को लेकर है। बता दें कि एक दिन पहले ही पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि कोरोना वायरस संकट से पहले ही भारतीय समाज दो महामारियों, धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद का शिकार हो गया था। बताया जा रहा है कि मीडिया कर्मी ने जब फडणवीस से पूर्व उपराष्ट्रपति के बयान को लेकर पूछा तो फडणवीस ने कहा कि हिंदुत्व कभी भी कट्टर विचारधारा नहीं रहा है, ये हमेशा सहिष्णु रहा है। हिंदुत्व इस देश में जीवन जीने का प्राचीन तरीका है। हिंदुओं ने कभी किसी पर या किसी भी देश या किसी राज्य पर हमला नहीं किया। यही नहीं, हिंदू धर्म ने हमेशा सहिष्णुता सिखाई है और इस वजह से भारत में विभिन्न पंथों और जातियों के लोग शांति से रहते आए हैं। गौरतलब है कि हामिद अंसारी ने कांग्रेस के नेता शशि थरूर की नई किताब द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के डिजिटल विमोचन पर कोरोना को एक बहुत ही बुरी महामारी बताया था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले ही हमारा समाज दो महामारियों, धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद का शिकार हो गया था। उन्होंने ये भी कहा था कि धार्मिक कट्टरता और उग्र राष्ट्रवाद के मुकाबले देश प्रेम ज्यादा सकारात्मक अवधारणा है। सोशल मीडिया पर हामिद अंसारी के इस बयान की आलोचना हो रही है, जिसका जवाब बीजेपी के नेता हामिद अंसारी को दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।